गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं मैथ क्लास टेंथ एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट फोर। 2.2 का पार्ट फोर हम करने जा रहे हैं। 2.2 के पार्ट फोर में हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करना है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, तो देखिए क्या कहा हुआ है सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। बेटा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। सम हमें गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो गिवन है, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को फाइंड करने का फॉर्मूला देख लीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस और साथ में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, पहले हमें सम गिवन है, सम की वैल्यू है 1/4 और प्रोडक्ट की वैल्यू हमें क्या गिवन है -1। तो आप क्वेश्चन में लिखोगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्यू और पी का मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, प्लस प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 और -1। तो एक्स स्क्वायर के डिवाइड में 1 लगा दो, एक्स के डिवाइड में 4 और 1 के डिवाइड में कुछ नहीं, तो पूरे का एलसीएम क्या आ गया 4। 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 4x2, 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो या एक्स, 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 4। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या आ जाएगा, आप लिख दोगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज इक्वल टू 4x2 माइनस एक्स माइनस 4 और बस यही आपका आंसर। डिवाइड वाली 4 को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सेकंड में आपको क्या गिवन है, सम आपको गिवन है √2 और प्रोडक्ट आपको गिवन है 1/3। तो आप लिख लोगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस है √2 और एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। तो आप लिख लोगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर √2x प्लस 1/3। तो एक्स स्क्वायर के डिवाइड में 1 अलग, √2x के डिवाइड में 1 अलग और ये 1/3, पूरे का एलसीएम आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3x2 √2x प्लस 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 3x2 √2x प्लस 1। डिवाइड वाले 3 को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पार्ट, इसका सम हमें क्या गिवन है 0 और प्रोडक्ट इस बार हमें क्या गिवन है √5। तो आप लिख लोगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस साथ में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस एक्स जीरो एक्स प्रोडक्ट √5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5। तो ये आ गया आंसर एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो 3 पार्ट मैंने करवाए हैं, ठीक है ना, तो बाकी ये 3 पार्ट आपने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही 3 पार्ट हो गए बाकी सब, ठीक है। बस डिवाइड वाली वैल्यू को अगर आपके किसी में आपको जो है वो एलसीएम लेने की जरूरत पड़े तो डिवाइड वाली वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं है आंसर में, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है, ठीक है ना। पहले अपने फॉर्मूले को लर्न करना है, एक्स की स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना। तो हमें जो उसमें ये वैल्यू गिवन थी ना, तो पहले वाली वैल्यू हमें सम गिवन थी, कहा हुआ था देखो ईच विद द नंबर एज द सम, पहले वाला सम एंड प्रोडक्ट, ये दूसरे वाला प्रोडक्ट, ये सम ये प्रोडक्ट, ये सम ये प्रोडक्ट, ये 1 सम ये 1 प्रोडक्ट, ये -1/4 सम ये 1/4 प्रोडक्ट, ठीक है। तो बाकी आपने खुद ट्राई करने हैं। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।